हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड्रॉइड 10 बेस्ड पिक्सेल एक्सपीरियंस रोम के बारे में, जिसको आज हमने अपने रेडमी नोट 5 प्रो के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और कैसे आपने इसको अपने रेडमी नोट 5 प्रो के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप रेडमी नोट 5 प्रो यूजर हैं, देन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप में से कितने लोग जो हैं अभी MIUI 12 और MIUI के Android 10 के वर्जन का वेट कर रहे हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि आप किसका वेट कर रहे हैं, MIUI 12 Android 9 या MIUI 12 Android 10। Android 10 तो वैसे मिलने वाला है नहीं आपको, बट कस्टम रूम्स में आप जो है Android 10 के फीचर्स जो है इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि आज हम Redmi Note 5 Pro के अंदर यूज़ करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, ये है Redmi Note 5 Pro और आज इसके अंदर हम Pixel Experience Plus, जो कि स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर बेस्ड होता है, छोटे मोटे आपको कस्टमाइजेशन जरूर मिलते हैं बट ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं होते हैं, बिल्कुल प्योर स्टॉक रोम होता है। एंड्रॉइड वर्जन 10 पे रन कर रहा है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ आपको मिलता है 5th अप्रैल 2020 का। और आपको जो इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिलता है, उसके अंदर आपको इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ये तो हो गया इसका अबाउट फोन पेज। अब कुछ और फीचर्स को भी चेक कर लेते हैं। जियो का सिम परफेक्टली काम कर रहा है, उसमें से जैसे कोई इशू नहीं है। वोल्टेज में काम कर रहा है, वाईफाई कॉलिंग जो है इसमें ज़रूर काम नहीं कर रही है, इस टाइम पे वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये देखिए 198 जो जियो का कस्टमर केयर नंबर है उसको हमने कनेक्ट किया और वो फोन कनेक्ट हो चुका है। सेकंड थिंग, काफ़ी लोग ये पूछते हैं कस्टम रूम्स में जो है इनको MIUI का कैमरा नहीं, बट आपको इसके अंदर MIUI का ही कैमरा मिलता है, जिसमें आपको AI मोड मिल जाता है, वीडियो मोड मिलता है, शॉर्ट वीडियो देखने को मिलता है, पोर्ट्रेट मोड, स्क्वायर मोड, पैनोरामा मोड और मैनुअल मोड में जाके आप वाइट बैलेंस, फोकस, शटर स्पीड और ISO को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि आपको जो है कस्टम रोम के अंदर जो कि एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस्ड है उसमें MIUI कैमरा मिलता है। यही नहीं, कैमरा टू API इसके अंदर इनेबल्ड है और आप इसके अंदर जो है Gcam 7.3 को भी यूज़ कर पा रहे हैं। देखिए मैंने Gcam 7.3 इसके अंदर इंस्टॉल कर रखा है, जो कि परफेक्टली काम कर रहा है, चाहे नॉर्मल मोड हो, चाहे पोर्ट्रेट मोड हो, चाहे नाइट साइड। अगर आप इस कैमरे को यूज़ करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है एक वीडियो को, जहां से आप चेकआउट करेंगे उसके फीचर्स को और अपने Redmi Note 5 Pro के अंदर यूज़ करना। आपको जो जेस्टर्स मिलते हैं वो Android 10 के मिलते हैं, स्वाइप अप करते ही ऐप ड्रॉ आ जाता है, स्वाइप अप करते ही होल्ड करते हैं तो रिसेंट टैब्स आते हैं आपके, लेफ्ट एंड राइट से आप स्वाइप करते हैं तो गूगल असिस्टेंट जो है आपके फ़ोन के ऊपर यहाँ पे लॉन्च हो जाता है कुछ इस तरीके से। क्विक सेटिंग्स पैनल का लुक आपको कुछ इस तरीके आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें आप इसके अंदर डार्क मोड के आइकन्स वगैरह शेप्स को चेंज कर सकते हो। कैसे, आप टैप कीजिए होम स्क्रीन पे, स्टाइल से वॉलपेपर्स में जाइए, स्टाइल में जाइए, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी चीज़ों को सिलेक्ट कीजिए। देखिए फॉन्ट्स हो गया, स्टाइल कौन सा चाहिए, एसेंट कलर कौन सा चाहिए और आइकन शेप कौन सा चाहिए, तो आप इन सब चीज़ों को तो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब हम चलेंगे इसकी सेटिंग्स पैनल में और कुछ और फीचर्स को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो ये देखिए सेटिंग्स पैनल का लुक आपको पूरा जो है गूगल पिक्सल 4 जैसे देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर भी आपको एंड्रॉइड 10 का स्टॉक वर्जन देखने को मिलता है, तो पूरा का पूरा ये उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर हम बैटरी में जाएं तो बैटरी का लुक आपको कुछ इस तरीके आपको देखने को मिलता है, जिसमें बैटरी सेवर, एडिप्टिव बैटरी, लास्ट फुल चार्ज और स्क्रीन यूसेज सिंस फुल चार्ज, ये कुछ ऑप्शन आप देख पाते हैं। डिस्प्ले में जाएं तो डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस लेवल, डार्क थीम, नाइट लाइट, एक्टिव ब्राइटनेस, लाइव डिस्प्ले आपको मिल जाता है, स्टाइल एंड वॉलपेपर्स का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, स्क्रीन टाइम आउट भी आप यहाँ पे देख पाते हैं, रोटेशन सेटिंग्स, फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, स्क्रीन सेवर और लॉक स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आप छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे लॉक स्क्रीन में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको डिस्प्ले मीडिया कवर आर्ट चाहिए कि नहीं, विजुलाइजर चाहिए कि नहीं, डिसेबल ऑन लॉक स्क्रीन अगर आप चाहते हैं कि पावर के बटन को आपने डिसेबल करना है लॉक स्क्रीन के ऊपर, इससे ये फायदा होता है कि आपका फोन कहीं गुम हो जाता है या कुछ चोरी कर लेता है तो लॉक स्क्रीन के ऊपर जो है पावर के बटन को यूज़ नहीं कर पाता है और आपके फ़ोन को वो ऑफ नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से एडवांस सेटिंग्स में जाएं तो कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह, ये कुछ ऑप्शन आप लॉक स्क्रीन डिस्प्ले में देख पाते हैं। अगर साउंड में जाएं और इसके एडवांस ऑप्शन में जाएं तो आपको यहाँ पे लाइव कैप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको कुछ और ऑप्शन भी यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाते हैं, स्क्रीन शॉट में आपको साउंड चाहिए कि नहीं, ये कुछ ऑप्शन आप इसमें साउंड में देख पाते हैं। स्टोरेज प्राइवेसी की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चलते हैं सीधा सिक्योरिटी के ऊपर। फिंगरप्रिंट परफेक्टली काम कर रहा है और अब जो है एंड्रॉइड 10 के अंदर भी आप फेस अनलॉक को यूज़ कर पाएंगे। मैं फिर से आपको चेक करवा देता हूँ, यदि फेस अनलॉक से हम फोन को लॉक करते हैं, आप सिंपली एक बार स्क्रीन को लाइट अप करना है और स्वाइप अप करेंगे और जो है आपका फोन जो है अनलॉक हो जाएगा। ये देखिए फेस अनलॉक जो है काम कर रहा है, हाँ थोड़ा सा आपको डिले जरूर देखने को मिलता है मगर फेस अनलॉक परफेक्टली काम कर रहा है अब रूम के अंदर, जो कि पिक्सल एक्सपीरियंस है। उसके बाद चलते हैं डिजिटल वेलबींग के ऊपर। डिजिटल वेलबींग जो है आपको ये वाला देखने को मिलता है, जिसमें आप पूरी डेली एक्टिविटीज, क्या आपके फ़ोन का स्क्रीन टाइम रहा है, क्या आपका नोटिफिकेशन रिसीव किए और कितनी बार फोन को लॉक एंड अनलॉक किया है, वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ जाके चेकआउट कर पा रहे हैं इसके अंदर।
सिस्टम में जाएं तो सिस्टम में आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जेस्टर्स। जेस्टर्स में आपको कौन सी जेस्टर चाहिए, आपको एंड्रॉइड 10 या एंड्रॉइड पाई के 2 बटन नेविगेशन, या आपको अपने डिफॉल्ट 3 बटन जो नेविगेशन बार होते हैं वो आपको चाहिए। पर मैं एंड्रॉइड 10 के जेस्टर्स को प्रेफर करता हूं, तो मैं उन्हीं को इसमें यूज करूंगा। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप 30 फिंगर से आप अपने फोन के अंदर स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर पाते हैं। ये ऑप्शन भी आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। बटन्स में जाएं तो बटन्स में भी आपको सिस्टम नेविगेशन मिल जाता है, साथ ही साथ एज लॉन्ग स्वाइप एक्सटेंड भी आपको देखने को मिलता है। अब मैं बताऊंगा किस तरीके से काम करता है। देखिए, एज पे जब आप स्वाइप करते हैं तो मोस्टली जो है आपको जो फोन है वो लास्ट सेटिंग्स पे चला जाता है, यानी कि लास्ट पे चला जाता है जो आप यूज कर रहे हैं। बट इसके अंदर आपको एक नया फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे कि इसके अंदर आप कुछ भी सेटअप कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप स्क्रीन शॉट कर लेते हैं, अब जैसे ही मैं एज को लॉन्ग स्वाइप करूंगा, छोटा नहीं लॉन्ग स्वाइप करना पड़ेगा हाफ से ऊपर, देखिए इस तरीके से, और ये आप स्क्रीन शॉट को कैप्चर किया है। तो इस तरीके से आप इस फीचर को भी यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पावर मेनू में कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, क्या क्या चाहिए वो आप यूज करते हैं, आपके पावर के मेनू, सब चीजों को आप यूज कर पाते हैं यहाँ पे। और कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे एंड कॉल, डिसेबल ऑन लॉक स्क्रीन, कुछ चीजों को भी आप यहाँ पे जाके सेटअप कर सकते हैं, और वॉल्यूम बटन्स को भी आप यहाँ से इजिली मैनेज कर पाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको बटन्स में मिलते हैं। स्टेटस बार में आप जो है अपने स्टेटस बार को पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लॉक पोजिशन, राइट, सेंटर, लेफ्ट, जहां भी चाहिए आप रख लीजिए। आपको AM PM चाहिए, आवर्स चाहिए, जो रखना रखिए, बैटरी साइज कौन सा चाहिए, बैटरी परसेंटेज कौन सा चाहिए, ब्राइटनेस लाइटर चाहिए कि नहीं, ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। क्यूब टॉगल्स में कितने रोज में कितने कॉलम्स में वो कितने बटन चाहिए वो ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टाइल की बात करें तो स्टाइल हम फ्लिप यूज कर रहे थे, देखिए सेटिंग्स पैनल में आपको जो है एक फ्लिप का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं नहीं आप एनिमेशन से खुश नहीं है तो आप रोटेट कर दीजिए, अब आपको यहाँ पे जो है एक रोटेट का एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ आप एनिमेशन को भी चेंज करते हैं, इनकी स्पीड को भी ज्यादा करते हैं, फास्ट कर दिया मैंने, ये देखिए आपको थोड़ा सा फास्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है आपके स्टेटस बार में कर सकते हैं। बाकी आपको कोई डेट टाइम, बैकअप, रूल्स, रीसेट ऑप्शंस, मल्टीपल यूजर्स, डेवलपर ऑप्शंस और सिस्टम अपडेट में जाके आप इनके पूरी मेंटेनर, इनके डेवलपर के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ पे आपको चेक फॉर अपडेट यानी OTA अपडेट भी देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेटिंग्स पैनल में आपको पूरा दिखा चुका हूँ, कैमरा भी आप देख चुके हैं, MIUI का कैमरा मिलता है, साथ ही साथ GCam 7.3 और Jio का सिम परफेक्टली काम कर रहा है। अगर आप Redmi Note 5 Pro के अंदर PUBG गेम को खेलते हैं देन आपके लिए अच्छी है। आप इस रूम के थ्रू जो है अपने PUBG गेम को आप इसके अंदर जो है HD मोड पे खेल सकते हैं। फ्रेम रेट को सिर्फ लो मीडियम हाई, बैलेंस पे भी लो मीडियम हाई और स्मूथ पे भी लो मीडियम हाई तक ही जा सकते हैं। तो इस रूम में जो है आप PUBG को HD मोड पे अपने फोन के अंदर खेल पा रहे हैं। तो मोस्टली सब चीजें हमने चेक कर ली है, अब लास्ट चीज की हम उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। किसी भी रूम को इंस्टॉल करने के लिए कस्टम रूम को आपके फोन का बूटलोडर अनलॉक होना चाहिए। सेकंड, उसके अंदर कोई कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए, जैसे TWRP, पिच ब्लैक या ऑरेंज बॉक्स। और आपको सिर्फ एक जिप फाइल चाहिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आपको डाउनलोड कर लेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, लिंक मैंने दो दिए हैं नीचे, एक पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस का और एक पिक्सल एक्सपीरियंस का। पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस में आपने जो छोटे मोटे कस्टमाइजेशन देखे स्टेटस वगैरह में वो सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, बट पिक्सल रोम में जो है प्योर स्टॉक एक्सपीरियंस मिलता है, उसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलता। तो इस जिप फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है और अपने फोन में सेव। के बाद जो है आपने फोन को रीबूट करेंगे तो हमको ये ऑप्शन यहीं मिल जाता है रिकवरी मोड पे बूट करने का, तो डायरेक्टली हम यहीं से रिकवरी मोड पे जाएंगे। अदरवाइज आप फोन को स्विच ऑफ करेंगे, वॉल्यूम अप और पावर के बटन को होल्ड रखेंगे और आपका फोन कस्टम रिकवरी पे बूट करेगा। तो ये देखिए इस टाइम पे हम अपने फोन के अंदर जो है पिच ब्लैक की रिकवरी यूज कर रहे हैं, तो हम उसके थ्रू जो है इस रोम को फ्लैश करें। जैसे आप रिकवरी मोड पे आते हैं आप वाइप पे जाइए, एडवांस वाइप पे जाइए, वहां स्टेटस की डालवी, कैश, सिस्टम, कैश, डाटा और विंडो, आपने इन सभी पार्टीशंस को वाइप कर। जैसे ही आपके सारे पार्टीशन जो है आपके फोन से वाइप हो जाते हैं, बैक चाहिए इंस्टॉल पे और जो पिक्सल एक्सपीरियंस रोम की जिप फाइल है उसको सिलेक्ट कीजिए और उसको इंस्टॉल। ये नियर अबाउट 1-2 मिनट्स लेके इंस्टॉल होने के लिए। इसके अंदर आपको जी एप्स को इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं होती है कि जी एप्स जो है इसके अंदर पहले से इंक्लूडेड होती है, सिर्फ आपने एक जिप फाइल को ही इंस्टॉल। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि जो पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस की जो जिप फाइल है जो कि एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपको फेस अनलॉक मिला, पबजी HD मोड पे मिला, MIUI का कैमरा मिला, GCam 7.3 मिला, साथ ही साथ जियो सिम परफेक्टली काम कर रहा है, उसको हम एक बार फ्लैश होने। तो ये देखिए फाइनली रोम की जिप फाइल इंस्टॉल हो गई है, अब रीबूट सिस्टम कर। अब कुछ ही देर में आपके फोन के ऊपर जो है गूगल की बूट स्क्रीन आएगी, दैट मीन्स की जो पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है वो अपने अपने फोन Redmi Note 5 Pro के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद सेटअप पे जाएगा, आप सारी चीजों को सेटअप करेंगे, जैसे वाईफाई, अपने ईमेल आईडी, अपने डाटा कनेक्शन और इस रोम के सभी फीचर्स जो है अपने Redmi Note 5 Pro के अंदर इंजॉय। तो ये देखिए बूट स्क्रीन आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये रोम और आज का ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।